महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर उत्तर प्रदेश में कॉन्फ्रेंस की गई। हम बात करेंगे राष्ट्रवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कि क्या उन्होंने मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया है। आज मैं महाराष्ट्र के कल की घटना को देखते हुए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ कि ऐसी आपात स्थिति में जहाँ चुनाव चल रहा हो 5 राज्यों में, ऐसी स्थिति में ईडी या सीबीआई का दुरुपयोग करना घोर निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये केवल इसी के सहारे चलती है। ये जुमलेबाजों की सरकार है, झूठों की सरकार है, इनको कोई काम करना तो है नहीं, ये केवल बड़े नेताओं को फंसाने का काम ही करते हैं। तो क्या लगता है ये जो गिरफ्तारी हुई चुनाव को देखते हुए? देखिए, चुनाव के समय जो इन्होंने गिरफ्तारी की है इसका उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा असर पड़ा है। पूर्वांचल में अगर हम 10 सीट जीत रहे थे तो उसके जगह पर मैं 20 हो गया हूँ। अभी तीसरे चरण का चुनाव बाकी है और 10 मार्च के बाद क्या रणनीति रहेगी? देखिए, 10 मार्च के काउंटिंग के बाद मैं पूरे प्रदेश में आंदोलन करूंगा, जेल भरो आंदोलन करूंगा। हमारे कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और तब तक करते रहेंगे, 2024 तक करते रहेंगे जब तक कि देश की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सपा का कोई गठबंधन है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और यह गठबंधन 24 तक चलता रहेगा। ये थे हमारे साथ उमाशंकर जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका सीधे साफ तौर पर कहना है कि 10 मार्च के बाद अगर कांग्रेस नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं अविनाश, इंडिया पोस्ट न्यूज़, लखनऊ।